हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं पावर बीआई के बारे में। तो पावर बीआई की हमारी एक 11वीं वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे पावर बीआई के अंदर सीक्वल से डेटा कैसे लाया जाए, वो भी क्यूरी का इस्तेमाल करते। जी हाँ, ये 11वीं वीडियो है। इससे पहले की सारी वीडियो चाहिए आपको तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छा लगे तो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको। और अगर आपको सारे वीडियो इकट्ठे चाहिए तो चैनल्स पे भी मिल सकते हैं, लेकिन वहां आपको ढूंढना पड़ेगा और मे भी सारे ना मिले। इसके लिए आपको मेरा वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे? तो मेरा ऐप डाउनलोड करने के लिए आप जा सकते हैं, एक्सेल एमआईएस ट्रेनिंग को सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, शानदार रेटिंग के साथ आपको ये मिलेगा। और ये आईओएस पे भी है, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। अगर आप सिस्टम पे देखना चाहते हैं वीडियो तो वेबसाइट लॉगिन करना है app.iptindia.com, जो एप्लीकेशन का ऐप होता है उस ऐप डालिए, और iptindia.com मेरा डोमेन है वो डालिए, और यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, जहां सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये सारी क्लासेस यहाँ दिखेगी। तो ये हमारा जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, जो कि ए रहा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। इसके अंदर देखेंगे 125 टोटल कंटेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा एक पुराना इंटरफेस, क्योंकि पावर बीआई का इंटरफेस चेंज होते रहता है। ये जो नीचे देख रहे हैं ये सारे वीडियोज है 2023 तक। अब 24 के नए वीडियोज आए हैं, जो कि मैंने यहाँ पे अपडेट किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 11 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, 12वां इस क्लास के बाद अपलोड होगा। अब इसको बाय आप कर सकते हैं, तो जैसे जैसे नई वीडियोज आती जाएगी ऐड होती चले जाएगा। इसलिए अभी ये वीडियोज कंप्लीट नहीं हुए हैं, नए वाले 2024 के, 2023 तक तो कंप्लीटेड है। आप देख सकते हैं 93 स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। इसकी प्राइस आपको पड़ेगी 2000 9 तो 2000 का डिस्काउंट मिलेगा, इसकी प्राइस पड़ेगी सिर्फ 53। बट जैसे ये वीडियोस कंप्लीट होगा महीने एक एक डेढ़ महीने में, इसकी प्राइस का जो डिस्काउंट है ये हट जाएगा और ये आपको 3000 में मिलेगा। तो फटाफट इसको भी बाय करते हैं। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि सीक्वल सर्वर का डेटा हम पावर बीआई में कैसे। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किए थे, बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि हमने पूरा का पूरा टेबल ले लिया, बट यहां मैं टेबल नहीं लेना चाहता, क्योंकि तो कई बार क्या होता है कि टेबल बहुत बड़े होते हैं, उसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ती है, हमें उसकी क्यूरी लिखना होता है। जैसे कि यहाँ देखिए आईपीटी का डेटा टेबल है, इसके अंदर ये हमारा डेटा टेबल, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे न्यू क्यूरी लिखता हूं और यहाँ लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा और इसको रन किया तो रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। अब इसमें मुझे सिर्फ 2024 का डेटा चाहिए, तो यहां पे क्या लिखते हैं हम, वेयर ईयर इक्वल टू 2020। अब इसको रन करेंगे तो सिर्फ 2024 का। अब ये जो देख रहा है कमांड, ये हम पावर बीआई में कैसे टाइप करें, तो चलिए वही करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्वर नेम, तो मैंने अपना पाथ आईपीटी और सर्वर नेम एसक्यूएल एक्सप्रेस को लिया, डेटाबेस नेम मेरा आईपीटी। यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया। अब इससे आगे यहां दिखेगा आपको एडवांस ऑप्शन। क्या दिखेगा? एडवांस ऑप्शन। इस एडवांस ऑप्शन पे आप जाएं और यहां पे अपना क्यूरी राइट करें, जैसे कि हमने यहां पे किया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहां पे लिखेंगे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा वेयर
ईयर इक्वल टू 2024, और जस्ट यहां पे ओके। ओके करने के बाद मैं यहां लोड पे क्लिक करूं। लोड पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि क्वेरी वन चलेगा यहां पे आ गया। अब क्वेरी वन में यहां पे मान लीजिए मुझे चेंज करना है, तो यहां रिनेम कर सकता हूं कि रिनेम डेटा सी या डेटा 24 ऐसा कुछ ना दे। डेटा दिखना हो तो जाहिर सी बात हम कहां जाएंगे, टेबल व्यू। टेबल व्यू के अंदर सारा डेटा दिखेगा, देख सकते हैं सिर्फ 2024 का ही डेटा आया। अब कल के डेट में नया डेटा अगर यहां ऐड होता है, हमारे नया डेटा ऐड, तो ऐड करने क्वेरी भी चला सकते हैं या फिर मैं एडिट 2000 पे क्लिक करूंगा तो यहां देखिए आ गए। यहां पे चलिए 2000 का हम ऐड करते हैं अक्टूबर, तो यहां अक्टूबर 2024 और यहां पे हमने लिखा प्रोडक्ट में क्लासेस या क्लास, हाँ क्लासेस नंबर वन एमआरपी 5000, यहाँ पे 5000 अमाउंट होगा, पे मोड भी हमारा 5000 का ही है, स्टॉक में 100 है, रिटर्न 0 है, और ये हमने बोल दिया ये मुझे मिला है कहाँ से है, तो इंडिया से है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया आपका स्टॉक में 100। इस तरह से डेटा एंट्री कर दी, या फिर डेटा कहीं से अपलोड कर लिया, ये तो एसक्यूएल का पार्ट है। अब इसको यहां से हम क्लोज करते हैं। अब वापस आते हैं हमारी इस डेटा में, तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास क्लासेस तो है, क्लासेस का है। अब अगर मैं इसको अनचेक करूं, इसको क्लासेस पे फिल्टर कर ओके करूं, तो क्लासेस का यहां पे दिख रहा है, एक एंट्री दिख रहा है अक्टूबर, राइट। अब जैसे मैं होम में जाऊंगा और यहां रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश क्यों करना है, जब भी कोई डेटा अपडेट करनी है तो आपको रिफ्रेश करना। और यहां पे हमने एक बार रिफ्रेश किया, देखिए दूसरी एंट्री आ गई, क्लासेज एक नंबर 5000, और देख सकते हैं इंडिया। तो ऐसा नहीं कि आपने क्यूरी लगा दिया तो आपका डेटा अपडेट नहीं होगा, जैसे आपकी सीक्वल अपडेट होगी यहां भी अपडेट हो जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अपडेट नहीं। एक बार और बताते हैं कि हम कैसे क्यूरी लिखेंगे। अब मान लीजिए जो क्यूरी हमने लिखा है ना उसी में अपडेट करना है जरा से, मान लीजिए मतलब कि मैंने यहां ईयर 2023 किया, अब मुझे यहां पे इसको ग्रेटर देन 2023 करना है ताकि वो ग्रेटर देन इक्वल, तो आप देख सकते हैं कि स्किप करते ही यहां पे हमारा 2023 और 24 दोनों का डेटा है। अब ये चेंजिंग करने, अब प्रॉब्लम है कि मैं दोबारा से डेटा कनेक्ट करना नहीं चाहता, रीजन कि इस पे मैं डैशबोर्ड बना चुका हूं बहुत सारे चीजों, अब बार बार अगर डैशबोर्ड इस तरह से बनेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बार बार मुझे बनाने पड़ जाएंगे। सो मैं चाहता हूं इसको चेंज कर, कैसे चेंज करें, तो उसके लिए आपको जानना होगा यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा, तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के अंदर हम यहाँ सोर्स आपको दिख रहा है, सोर्स पे ए हमारा है। अब यहाँ पे देखिए एडवांस एडिटर दिखेगा यहाँ ऊपर, ये पावर क्वेरी का दिख रहा है आपको एडवांस एडिटर। एडवांस एडिटर में आप देख सकते हैं कि ये आपका सर्वर नेम, ये आपका डेटाबेस, ये आपका क्यूरी। अब क्यूरी में क्या है कि जहां हमने वेयर लगाया है ना वहां पे इफ फ्रॉम डेटा आ गया, इफ लगाया यहाँ पे, और यहाँ भी देखते हैं इफ फ्रॉम डेटा, और ए रहा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 23। अब जैसे आप डन करेंगे ना तो इस तरह, क्यों, क्योंकि इसमें परमिशन देना है, मैंने क्यूरी रन करना है, आपने चेंज किया है तो चेंज करते हैं, रन थोड़ी हो गया है, तो यहाँ एडिट परमिशन पे जाके वापस इसको रन करना है। जैसे इसको रन करेंगे डेटा चेंज,
एनक्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो ये आपका पावर बीआई भी चेंज हो जाए। देख सकते हैं कि 2023, 24 एंड 25 का भी डेटा आपका आ गया। तो इस तरह से हम पहले हमने दो चीजों पर डिस्कस की। पहली इससे पहले वाले वीडियोज में हमने बात की आपके साथ कि हम पावर बीआई में सिक्वल से डेटा लेके कैसे आए। और आज हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि पावर बीआई के अंदर जब डेटा लेके आएंगे तो उसकी चेंजिंग कैसे करेंगे, मतलब क्यूरी कैसे राइट करेंगे, और क्यूरी राइट हुआ तो उसको अपडेट कैसे करेंगे, और क्यूरी के अंदर कोई चेंज करना हुआ तो चेंज कैसे करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक क्यूरी आप लोग भी इस पर ट्राई कीजिए, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करेंगे। अगली क्लासेस में हम कुछ क्यूरी लैंग्वेजेस, कुछ क्यूरी 10-15 क्यूरी को हम ट्राई करेंगे आपके साथ। ओके, तो आप लोग इसको कीजिए ट्राई। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारी लाइव क्लास ले सकते हैं। संडे को हमारी बैच शुरू हो रही है रात को 8 बजे, सिर्फ संडे, संडे वीकेंड बैच। इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल कीजिए और अपना बुक कीजिए क्लास। थैंक यू।